अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। द चैप्टर इज सेट्स। बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1, वी हैव टू नो सम एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस चैप्टर। द फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेट। नॉर्मली वी यूज करते हैं हम सेट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जगह गैदर कर देंगे वो सेट हो जाएगा। बट मैथमेटिक्स में सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें दो चीज़ें फोकस करी है, कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड जिसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड किया जा सके, एंड द सेकेंड इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक खास तरतीब होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कुछ यहाँ पे सेट लिखूंगी, लेट सी कि वो सेट हैं या नहीं। कलेक्शन नंबर 1 है ए सेट। ए सेट गिवन है 1, 2, *, 3, 4। तो अब ये देखें कि ये वेल डिफाइंड है, डेफिनेटली इट्स नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है तो इट्स नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। ये क्या है? नॉट सेट, ठीक है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। सेकेंड हमारे पास एक और सेट है, सेट बी। सेट बी में आप देखें हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं ए बी ए बी सी, ये भी एक कलेक्शन है बट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ये डिफाइन तो कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड वेल, बट इट नॉट डिस्टिंक्ट, सो इट्स नॉट सेट, ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको हम सेट नहीं कहेंगे। द थर्ड इज, एक और हम सेट दे रहे हैं, सेट सी। सेट सी में देखें 1, 2, 3 एंड 4। द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इट कैन बी डिफाइंड इजीली एंड इट्स डिस्टिंक्ट। कोई नंबर जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा, या स्मॉलर नंबर पीछे नहीं है और आगे, इसकी अरेंजमेंट प्रॉपर है। तो सो इट्स वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, सो इट्स सेट। तो ये वाला सेट है, नंबर सी इज अ सेट। अंडरस्टैंड? सेट की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हो रही है, सो इट्स सेट। फिर सेट की नोटेशन देखें, नोटेशन आपके पास 3 नोटेशन है। रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, एलिमेंट्स को आप इनक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड 5, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। दिस फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म। अंडरस्टैंड कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसी सेट को हम नोटेशन में, सेकंड नोटेशन इसकी होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसी सेट को डिस्क्राइब किया जाएगा वर्ड्स में, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। या इसी सेट को हम सेकेंडली करेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अंडरस्टैंड? ये है सेट की सेकेंड नोटेशन। एंड द थर्ड नोटेशन इज बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में सेट को आप सिंबल यूज करेंगे, सेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट को हमेशा जो है वो सिंबल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी अगर सेट को हम बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स सजेस्ट एक्स बिलोंग्स टू
natural number and x less than and equal to 5. यानी यही सारा सेम सेट है जो हमने टेबलर में रिप्रेजेंट किया, डिस्क्रिप्टिव में रिप्रेजेंट किया, सेम सेट हमने बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया. तो इसमें बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं और इनक्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. कुछ सिंबल्स और मीनिंग हम नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह बताऊंगी. तो ये है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इन इक्वल टू 5. ये आपका बिल्डर फॉर्म है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेट. द फर्स्ट टाइप इज नल सेट. अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट. ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, वो क्या कहलाते हैं? नल सेट. द एम्प्टी सेट और द एम्प्टी सेट, यानी नल सेट और एम्प्टी सेट सेम सेट होते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय 5 और एम्प्टी सेट. ये साइन है एम्प्टी सेट का, जिसको कहते हैं 5. ठीक है, और एम्प्टी सेट के तौर पे भी शो कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 8. यानी ऐसा कोई नंबर जो 7 से कम हो और 8 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो सो इट्स एम्प्टी सेट. एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये भी एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है. ठीक है, ये दोनों सेट एम्प्टी सेट हैं और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. द नेक्स्ट है फाइनाइट सेट. अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं एक खास हों और काउंटेबल हों, लिमिटेड एलिमेंट्स हों, तो हम उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो इट्स फाइनाइट सेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल ए बी एंड सी. इसमें एलिमेंट्स 3 हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये भी आपका फाइनाइट सेट है. ठीक है, द नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट. अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होता, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होते, सो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, यानी लिमिटेड नहीं है इसके एलिमेंट्स, चलते चले जा रहे हैं, इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट्स इनफाइनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट टाइप है इक्वल सेट. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स. यानी अगर दो एलिमेंट्स, दो सेट हैं ए एंड बी, अगर उनके एलिमेंट सेम हैं तो आप कहोगे कि वो इक्वल सेट हैं. फॉर एग्जांपल एक सेट आपका ये है ए बी सी और दूसरा सेट है बी ए सी, दोनों के एलिमेंट सेम हैं, सो वी कैन से ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और सेट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एक सेट है और बी सेट आपका है 2, 3, 1. ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, सो वी कैन से ए इज इक्वल टू बी. अगर ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो वी कैन से ए इज इक्वल टू बी. अंडरस्टैंड? इसी तरह से यहाँ भी ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं. ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ भी 1, 2, 3 है, तो एलिमेंट्स आर सेम, सो वी कैन से द ए इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट है इक्विलेंट सेट. इक्विलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बेशक इक्वल ना हो, तो वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? इक्विलेंट सेट हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स ए सेट है आपके पास 1, 2, 3 एंड बी सेट्स आपके पास है ए बी सी.
दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी. दोनों कितने हैं? थ्री. तो वी कैन से ए इज इक्विवेलेंट टू बी. दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट. अंडरस्टैंड? और इसको हम कह सकते हैं वन माइनस वन करेस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन दियर एलिमेंट्स. यानी इनके एलिमेंट्स को अगर हम वन माइनस वन करेस्पॉन्डेंस करेंगे तो उनके इक्वल आएंगे. ये आपका इक्विवेलेंट सेट हो गया.